भाई और बहनों, मैं अपनी सरकार का सौभाग्य मानता हूं कि उसे गुरुओं की सेवा के लिए इतना कुछ करने का अवसर मिल रहा है। पिछले वर्ष ही हमारी सरकार ने साहिब जादों के महान बलिदान की स्मृति में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने का निर्णय किया। सिख परंपरा के तीर्थों को जोड़ने के लिए भी हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। जिस करतारपुर साहिब कॉरिडोर की दशकों से प्रतीक्षा की जा रही थी, उसका निर्माण करके हमारी सरकार ने गुरु सेवा के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। हमारी सरकार ने पटना साहिब समेत गुरु गोविंद सिंह जी से जुड़े स्थानों पर रेल सुविधाओं का आधुनिकीकरण भी किया है। हम स्वदेश दर्शन योजना के जरिए पंजाब में आनंदपुर साहब और अमृतसर में अमृतसर साहब समेत सभी प्रमुख स्थानों को जोड़कर एक तीर्थ सर्किट भी बना रहे हैं। उत्तराखंड में हेमकुंड साहब के लिए रोपवे बनाने का काम अभी आगे बढ़ रहा है। साथियों, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हमारे लिए आत्म कल्याण के पथ प्रदर्शक के साथ साथ भारत की विविधता और एकता का जीवंत स्वरूप भी है। इसलिए जब अफगानिस्तान में संकट पैदा होता है, हमारे पवित्र गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूपों को लाने का प्रश्न खड़ा होता है, तो भारत सरकार पूरी ताकत लगा देती है।